यह इंसान नकली एलिगेटर का कॉस्ट्यूम पहनकर असली एलिगेटर के बीच में घुस गया और फिर जो हुआ। इनका नाम है गैरी सेरेज, यह एक प्रोफेशनली एक एलिगेटर ट्रैपर है। यह 1000 से भी ऊपर एलिगेटर पकड़ चुके हैं, साथ ही यह एलिगेटर कंपनी के ओनर भी है। एक दिन यह एलिगेटर की कॉस्ट्यूम पहनकर एलिगेटर से भरे तालाब में कूद जाते हैं, जहां कुल 45 एलिगेटर मौजूद थे। दरअसल वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, फिर ऐसी कॉस्ट्यूम पहनकर एलिगेटर के पास जाने से इनकी रिएक्शन क्या होती है। पहले तालाब के किनारे बैठे 11 फीट लंबे एलिगेटर के करीब जाते हैं, तब शुरुआती में एलिगेटर के तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। फिर जब ये थोड़ा उठते हैं तब एलिगेटर पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद जमीन से ही एक एलिगेटर की पूंछ के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अभी सेम रिएक्शन आता है। जब तक वो जमीन में लेटे रहे तब तक एलिगेटर शांत रहा, लेकिन जब वो खड़े हो गए तब वो तुरंत पानी की ओर भाग गया। जब उन्होंने एलिगेटर के एक ग्रुप के साथ ऐसा किया भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन आया। उनका कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से उसको आगे जाकर काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम के साथ एलिगेटर उन्हें एक रियल एलिगेटर समझते हैं, इसलिए वे शांत रहते हैं।